हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ सर। आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन आर्ट्स और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं ये ब्यूटीफुल वाटर कलर पेंटिंग बहुत ही जल्दी और आसानी से, ताकि आप जीत पाए कोई भी वाटर कलर पेंटिंग कंपटीशन जिसमें टॉपिक हो सेव इन्वायरमेंट या स्टॉप पोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस पेंटिंग का जो मेन टैगलाइन है वो है, पोल्यूशन इज लाइक सिगरेट कॉजिंग कैंसर टू द अर्थ। तो इसके लिए मैंने एक आदमी बनाया जो कि सिगरेट जिसके मुंह पे है और वो एक पोल्यूशन का पूरा सीन दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ही अच्छे से इस पेंटिंग में कन्वे हो रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जो आदमी है उसका पूरा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए ड्रॉइंग पे चलते हैं। ड्राइंग में हम सबसे पहले फ्री हैंडेडली एक सर्कल बनाते हैं उस आदमी के फेस के बेस के लिए। तो फ्री हैंडेडली सर्कल बनाने के बाद हमें उस सर्कल को एक एंगल पर डिवाइड करना है। उस एंगल पर डिवाइड करने के बाद हम और एक उसके परपेंडिकुलर एंगल पर डिवाइड करते हैं, ताकि हमें मिल जाए चार क्वाड्रेंट्स जिस पे हम आसानी से अपने फेस को प्लेस कर पाए। तो उस चार क्वाड्रेंट्स के जो पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें हमने एक हल्की सी एंगल बना ली, एक एंगल जो कि पाई की तरह है उससे उस पूरे सर्कल के अंदर, जो कि हमारे आई की बेस बनेगी। उसके बाद सिमिलर ही एक सर्कल जो उसके नीचे वाला क्वाड्रेंट है उसमें हम बना देते हैं अपने जॉ लाइन या चिन के लिए। उसके बाद हम तीन हाफ में हमारा जो निचला क्वाड्रेंट है, हमारा जो परपेंडिकुलर एंगल था उसका जो निचला पार्ट है, निचला हाफ है, निचला रेडियस है, उसको हम तीन हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, और उस तीन हाफ लाइंस को हम एक्सटेंड करते हैं, ताकि हम मेजरमेंट ले पाए अपने नोज़ की और लिप्स की। मेजरमेंट लेना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो फीचर्स है पूरे फेस का वो अच्छे से प्लेस हो पाए। फिर हम टोटल फेस का एक एंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि हम आसानी से सबसे पहले अपना बेस डेवलप कर पाए पूरे फेस के लिए। जब तक स्ट्रक्चर हमें दिखने लगेगा उसके बाद ही हम फीचर को प्लेस कर पाएंगे अपने फेस में अच्छे से। जैसा कि अभी हमें पूरा स्ट्रक्चर दिखने लगा है फेस का, उसके बाद हमने बॉडी के स्ट्रक्चर को भी बड़े आसानी से और सिंपली एक बना लिया है। तो जब हमें दिख रहा है कि हमारा एक बेस रेडी हो चुका है पूरे ह्यूमन बॉडी का, तो हम जाके अपने फेस में फीचर्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि फीचर्स हमारे ऐड करने के बाद हमारा फेस और ह्यूमन बॉडी रेडी हो चुका है। तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने पेंटिंग को पोर्ट्रेट से लैंडस्केपिंग में मोड में लाते हैं, और उसके बाद प्लेस करना चालू करते हैं हमारा जो मेन थीम एलिमेंट्स है इस पूरे पेंटिंग का, जो कि है सिगरेट। सिगरेट को हम उस जो सब्जेक्ट है उसके मुंह पर पहले सबसे पहले बनाते हैं। ये सिगरेट काफ़ी बड़ा है एक्चुअल साइज से, और थोड़ा सा ओवर स्टाइलाइज्ड है, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि हम अपना मैसेज कन्वे कर पाए। तो सबसे पहले सिगरेट को बनाने के बाद हम पूरे एक फैक्ट्री और एक पोल्यूटेड सिटी या फैक्ट्री का एक सीन बनाता है। ये मैंने अपने मन से बनाया। आप कोई भी रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, या तो मेरे ही पेंटिंग को आप कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे हम सारे पोल्यूटेड सिटीज़, कुछ एंटीनास और स्मोक का भी इफेक्ट डालते हैं इसमें। ये सब होने के बाद हम और एक सर्कल बनाते हैं अर्थ के लिए, जो कि उस आदमी के लंग्स को दिखाने में हेल्प करेगा। हम दिखा रहे हैं कि अर्थ पोल्यूटेड हो रही है और उसमें कैंसर जैसे ये पोल्यूशन पल रहा है। तो उसके लिए हम एक पाइपलाइन बनाते हैं हमारे ह्यूमन में, और उसके बाद अर्थ का एक बेसिक रफ शेप बना देते हैं। ये सब करने के बाद हमारे पास हमारा एक बेसिक रफ लेआउट आ गया है हमारे पूरे ड्राइंग का, जिसके ऊपर हम अभी कलर कर सकते हैं और इसे और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कैमलिन के आर्टिस्ट वाटर कलर को यूज़ करके
फेस को पेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है जिसमें हम डिटेल करेंगे इस पेंटिंग में वो है फेस। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑकर येलो या कोई भी अच्छा येलो कलर लेके फेस का एक बेस लेयर मैंने इस्टेब्लिश कर लिया। फेस का बेस मैंने येलो से इस्टेब्लिश करने के बाद और एक शेड जो कि ब्रंट सियाना उसको लेके मैंने फेस के बाकी पार्ट्स में थोड़ी सी डिटेलिंग कर दी। आप अपने हिसाब से डिटेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो उसकी नली है, जो गले की पाइपलाइन है, उसको अच्छे से थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप का पेंट करके मुझे जैसा लगा उस तरह से मैंने उसको पेंट किया। उसके बाद थोड़ा एक फाइन ब्रश लेके मैंने और एक डार्कर कलर लेके फेस में थोड़ी सी डिटेलिंग कर दी, आईब्रोज बना दिए और बाकी पार्ट भी बना दिया। उसके बाद कोई भी एक डार्क कलर लेके मैंने उसका बाल अच्छे से डार्क बना दिया। बाल बनाने के बाद हम बाकी पार्ट उसके उसको उसके पूरे बॉडी को हम ब्राउन कलर से भरते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे अर्थ पर। हमारे अर्थ को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक ऑकर येलो या फिर एक डर्टी टाइप का ब्राउन कलर लेके हमने अपने लैंड एरियाज को फिल करना शुरू किया। अपने लैंड एरियाज में जैसे ही हमने डर्टी कलर भरा, उसके बाद हमने एक सैप ग्रीन काइंड ऑफ कलर से उसमें फॉरेस्ट और बाकी चीज़ दिखाने की कोशिश की। उसके बाद एक सबसे पहला हमारे अर्थ को राउंडनेस देने के लिए मैंने एक डीप कलर का जो ब्लू है उसको यूज़ किया, उसे एक स्फीयर की तरह बनाने के लिए। उसके बाद हम उसी तरह के और एक वायलेटिश कलर को यूज़ करके पूरे अर्थ में जो सी है या ओशंस है उसको बनाया हमने, ताकि वो पूरा अर्थ को अपना ब्लू कलर मिल पाए और वो देखने में अच्छे लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत ही डार्क बनाया अर्थ का कलर, क्योंकि मैं इसमें पोल्यूशन को दिखाना चाहता हूँ। और इसके लिए हमने क्या किया कि वाइट एक्रेलिक कलर से हमने इसमें टॉर्नेडोस और क्लाउड्स को दिखाने की पूरी अच्छी तरह से कोशिश की, ताकि ये जो अर्थ की पेंटिंग है वो बहुत ही डायनामिक दिख पाए और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दे पाए हमारे पूरे पेंटिंग को। तो क्योंकि अब हमारा जो मेन पार्ट था फेस का वो हो चुका है, उसके बाद हम आते हैं जो मेन थीम है उस पर, तो जो बैकग्राउंड है हमारा उस पर। तो सबसे पहले हमें उस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेस कवर करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पूरे पेपर को जहाँ पर वो सीन है उसको हमने पानी से वॉश किया, इसका मतलब पानी से फैलाया, और फिर एक बेस येलो कलर दिया और एजेस पे ब्लू कलर से हमने उसको हाईलाइट किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा डीप ब्राउन टाइप, लाइट ब्राउन टाइप और येलो को मिक्स करके उसके जो स्मोक्स है उसका एक बस सिलवेट बना दिया। उस सिलवेट को हम बाद में और रिफाइन करेंगे ताकि वो देखने में अच्छा लगे। उसके बाद हमने उस पर और थोड़ा सी डार्कनेस देने की कोशिश की। तो जब तक ये ड्राइंग सूखता है उस टाइम तक हम बाकी जो हमारे मैन का जो साइड का एरिया है उसे भी हम एक ब्राइट वायलेट कलर से फिल कर देते हैं, ताकि सारा जगह फिर लगे। और एक और फाइन डिटेल ब्रश है, थोड़ा सा डार्क कलर लेके हमारे फेस को काफ़ी डिटेल्ड और क्लियर बना देते हैं, ताकि वो एक फोकस और अटेंशन ग्रैब करे हमारे पूरे पेंटिंग में। याद रखिए दोस्तों, इसमें हम फेस को मेन फोकस बना रहे हैं और बाकी जो बैकग्राउंड है उसे हम काफ़ी लाइट कलर से बनाएंगे, ताकि एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखे और हमारे आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हम जब भी वो ड्राइंग सूख जाए, हम थोड़ा सा अल्ट्रामेरिन ब्लू यूज़ करते या तो थोड़ा सा हल्का सा वायलेट कलर यूज़ करके एक पूरी जो सिटी का सिलवेट है जो कि हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखा था, उसको हम फिर से बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कि मैं हर एक सिटी के जो बिल्डिंग्स है और चिमनीज है उस पर ब्लू कलर से या वायलेट कलर से उसे बहुत अच्छे से सिलवेटेड कर रहा हूँ और उसकी हर एक शेप्स खिड़कियों के लिए जगह छोड़ रहा हूँ। उसी तरह से हम पूरे ड्राइंग को कवर कर लेते हैं एक बार।
उसके बाद हम आते हैं अपने सिगरेट पे। सिगरेट के लिए हमने क्या किया कि जो उसके बेस है उसको ब्राउन कर दिया और बाकी जो उसके दूसरे पार्ट्स है उसको वाइट छोड़ दिया। सिर्फ वाइट नहीं छोड़ा, बस उसमें थोड़ा सा ग्रे कलर से उसका जो एक डायमेंशन है उसको दिखाने का कोशिश किया। उसके बाद हम हमारा जो मेन सिगरेट का क्लाउड है उसको थोड़ा सा डार्क ब्लैक टाइप के कलर से या ग्रे टाइप के कलर से उसकी जो क्लाउड्स है उसको हमने बना दिया। उसके बाद जबकि हमारा मेन पार्ट हो गया, उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे जो बाकी चिमनी से धुआं निकल रहा है उसकी जो बेस लेयर के ऊपर हमने और एक लेयर किया ताकि वो और ज़्यादा क्लियर और बहुत ही सुंदर दिखने लगे। इसी तरह से हम उसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग करते रहे। हम अपने जो सिलवेट्स बनाए थे जो सिटीज़ के, उसमें और थोड़ा सा रंग भरा, उसको और थोड़ा सा डिटेल्ड बनाया और उसके साथ ही उसे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते गए जब तक हमारा टाइम हमारे पास अपने टाइम है, ताकि एक पूरा अच्छा सीन हमारे पास रेडी हो जाए एक पोल्यूटेड सिटी का। तो इसके बाद हमने क्या किया कि थोड़े और फिनिशिंग टचेस दिए। आप अपनी मर्जी से जो भी फिनिशिंग टचेस देना चाहे दे दें। उसके बाद हमारी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की पेंटिंग? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये पेंटिंग क्यों अच्छी लगी, और बुरी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये पेंटिंग बुरी भी क्यों लगी। तो अगर आपको ऐसी भी और पेंटिंग्स देखनी है, ऐसी और कंपटीशन वीडियोस या पोर्ट्रेट पेंटिंग्स आपको पसंद है देखना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद एंड गुड बाय।